हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप आशा। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट ऐसे को रियल होगा साइबर क्राइम पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस अदर एग्जाम्स के लिए। इसकी कम्प्लीट प्ले लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो, साथ ही साथ उनकी लेटर की प्ले लिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं, इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशियंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की। जैसे कि इन टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटी पीपल यूज वेरियस डिवाइसेस टू मेक लाइफ सिंपल, यानी कि टेक्निकली ड्रिवन सोसाइटीज में लोग क्या अलग अलग तरह की डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि जो लाइफ है उसको सिंपल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। The increasing access to and continuous use of technology has radically impacted the way in which people communicate and conduct their daily lives. ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जैसे जैसे तेजी से इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस यूज बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो हम सभी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है तेजी से, चाहे हम कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर कंडक्ट हो हमारी लाइफ हो, सभी चीजें जो है तेजी से बदलाव आ रहा है उनमें, राइट। इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द वर्ल्ड फास्ट इजिली एंड इकोनॉमिकली। आप दोस्तों बता सकते हो इंटरनेट जो है सभी लोगों को कनेक्ट कर सकता है ऑल साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से, फास्ट इजिली और इकोनॉमिकली, मतलब जितना चाहो उतना फास्ट इजिली कर सकता है और इकोनॉमिकली कर सकता है, हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम लोग शुरुआत में लिख सकते हैं इसके बारे में। द इंटरनेट एंड कंप्यूटर कैन पोज सम थ्रेट्स विच कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन सिविलाइजेशंस। दोस्तों आप यहाँ पर यह भी बता सकते हो कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स क्या है, कुछ सीरियस पोज भी बेसिकली इनके हो सकते हैं, ये कुछ सीरियस थ्रेट्स भी हमें हमारे इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो पूरी सिविलाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है, राइट। साइबर क्राइम इज अ हैजार्ड अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल हूज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड पर्टिकुलरली मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो साइबर क्राइम जो है एक तरह से हजार्ड उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं और जिनके कंप्यूटर्स इंटरनेट या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए साइबर क्राइम का एक बहुत ही हैजार्ड है, एक तरह से कह सकते हो सबसे बड़ा खतरा है, राइट। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत में लिख सकते हो, उसके बारे में बताते हुए बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, राइट। तो यहां तक आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। साइबर क्राइम इज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम टू कमिट एन ऑफेंस दैट मे रेंज फ्रॉम हेट स्पीचेस पोर्नोग्राफी एक्सेसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन theft to spread different kind of viruses throughout the world. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो साइबर क्राइम क्या है, एक तरह का क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर को ही एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम माना जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से ही हम सारे ऑफेंस जो है वो यहाँ पर करते हैं, राइट। और इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, हेट स्पीचेस फैलाना हो सकता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल शेयर करना हो सकता है, एक्सेसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करना या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराना, थेफ्ट करना, ये सारी चीजें जो हैं आती हैं। इसके साथ ही साथ वायरसेस का प्रयोग करके भी बेसिकली एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस स्प्रेड करना भी इसके अंतर्गत ही आता है, राइट दोस्तों। तो साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पर आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देखो, इन साइबर क्राइम
अ कंप्यूटर यूज एज अ वेपन बाय एन इंडिविजुअल एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप और इवन अ कंट्री। ठीक है, साइबर क्राइम में जो कंप्यूटर है वो एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप द्वारा या फिर इवन अ कंट्री द्वारा। ठीक है, यानी कोई कंट्री भी चाहे तो वो भी कंप्यूटर से जो है जो करना चाहे कर सकता है व्यक्ति, जो भी कंट्री अगर कोई चाहती है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो साइबर क्राइम है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का नहीं, पूरी कंट्री का सवाल है। यहाँ पर कोई देश अगर चाहे तो किसी दूसरे देश पर एटॉमिक बेसिकली बमबारी कर सकता है। इस तरह की चीजें जो हो सकती है सब हो सकती है, सारी चीजें पॉसिबल है और ये सब जो है एक कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके थ्रेट के बारे में बता सकते हो इस तरह से। राइट, इन इट द विक्टिम एंड ऑफेंडर मे नेवर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इसमें यह भी हो सकता है कि जो विक्टिम है और जो ऑफेंडर वो कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, वो चाहे तो कभी नहीं आए। राइट, फिर भी जो विक्टिम है वो विक्टिम रह जाएगा और ऑफेंडर जो है ऑफेंड करके चला जाएगा। राइट, अ पर्सन गेट विक्टिमाइज इवन वेन ही इज थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे। ठीक है, यानी जो व्यक्ति थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर बैठा हुआ है उसको भी विक्टिम बनाया जा सकता है कंप्यूटर द्वारा। राइट, हेंस वी कैन से साइबर क्राइम आर यूनिवर्सल एंड ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो यूनिवर्सल है यानी हर जगह है और ओमनी प्रेजेंट है यानी हर जगह प्रेजेंट है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से बेहतर तरीके से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स आर हैकिंग, स्पैनिंग एंड इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स विद वायरसेस। अब आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्राइम बता सकते हो, जैसे साइबर क्राइम्स में हैकिंग इंक्लूड है, स्पैनिंग या फिर इन्फेक्शन फैलाना वायरसेस के थ्रू, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत ही आती है। Hackers access a person's personal information over the internet, such as his credit and bank account, credit card and bank account numbers. ठीक है, यानी कि hackers जो है किसी person की personal information भी hack कर सकते हैं internet के द्वारा, जैसे कि उनका credit card के बारे में या फिर account number के बारे में details वगैरह, ये सारी hack करके किए जा सकती हैं। A person may lose his whole bank balance in a second. यानी कोई person जो है अपना पूरा bank balance एक second में गायब हो सकता है, उसका एक सेकेंड में जो पूरा बैंक बैलेंस है वो गायब हो सकता है और उसी जगह एंड में फॉल इनटू हैवी डेब्ट्स इंस्टेंटली, और तुरंत ही हैवी डेब्ट्स में भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो ये क्राइम है, साइबर क्राइम है, इसका डिजिटली काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, इस चीज को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। राइट, अनदर टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज थेफ्ट। अब आप जहां पर बता सकते हो कि जो दूसरे टाइप का साइबर क्राइम होता है वो थेफ्ट होता है। आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूजिक एंड मूवीज आर डाउनलोडेड एंड सर्कुलेटेड, देयर बाय इंफ्रिंजिंग अपॉन अ पर्सन्स कॉपीराइट मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो जो आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे वो बुक्स हो, म्यूजिक हो या फिर मूवीज हो, उनको डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो कॉपीराइट मटेरियल है उसका इंफ्रिंजमेंट होता है उस पर्सन का जिसकी ओरिजिनल वर्क होती है, आर्टिस्टिक या फिर बुक्स या फिर मूवीज या म्यूजिक होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में ही बता सकते हो। द पायरेटेड कॉपीज कॉज ग्रेट लॉस ऑफ द ओनर्स मॉनेटरी। जो पायरेटेड कॉपीज है इसकी वजह से जो है जो एक्चुअल ओनर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होता है मॉनेटरी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये भी एक तरह का जो क्राइम है, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही इसको भी लाया गया है। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन की ओर। अब आप इसमें कंक्लूजन कैसे लिखोगे ये देख लेते हैं। देखो, टुडे यंग जनरेशन इज टू सेंसिटिव एंड टची। जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और टची है। साइबर बुलिंग हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग सीरियस इंपैक्ट्स, इनसैनिटी एंड इवन डेथ्स। यानी जो साइबर बुलिंग है उसकी वजह से क्या है कि एक तरह से बहुत ही सीरियस इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, लोग पागल भी हो जाते हैं और इवन डेथ भी हो जाती है, इस तरह की चीजें सामने आती हैं। राइट, अनदर टाइप ऑफ सीरियस क्राइम इज डिफेमेशन। अब आप डिफेमेशन के बारे में बता सकते हो, मानहानि भी एक तरह का क्राइम है। राइट, इट टेक्स अ होल लाइफ टू अर्न रिस्पेक्ट बट अ डर्टी माइंड एंड एन इंटरनेट कनेक्शन टू वाइप इट अवे इन अ सेकेंड। यानी कि रिस्पेक्ट कमाने में पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन एक डर्टी माइंड और इंटरनेट कनेक्शन हो तो उस केस में एक सेकेंड भी नहीं लगता पूरी इज्जत को खत्म करने में, एक तरह से डिफेम करने में किसी भी व्यक्ति को।
राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि डिफेमेशन भी एक तरह का सीरियस इंपैक्ट है साइबर क्राइम का, राइट दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। इन दिस ग्रेट वर्ल्ड वर्चुअस एंड वाइसेस मार्च हैंड इन हैंड, यानी इस वर्ल्ड में वर्चुअस भी है वाइसेस भी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती है, राइट। द न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ एवरी इन्वेंशन शुडंट बी मार्ड बाय इट्स अब्यूजेस एंड मिसयूजेस, ठीक है। यानी अगर किसी चीज के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके जो है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और केवल कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम उसको पूरी तरह से ये डिनाय नहीं कर सकते कि वो बेकार है चीज या फिर वो उपयोग में लायक नहीं है, राइट। तो वाई शुडंट बी अ लिटिल विजिलेंट बोथ इन वर्ड एंड वेब, यानी कि हम सबको जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनको विजिलेंट तरीके से यूज करने की जरूरत है, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वर्ड हो या फिर वेब हो, दोनों जगह पर, राइट। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट इज नॉट सेड विदाउट अ रीजन। आप सभी इस तरह से लिख सकते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम अगर पहले से ही रोकथाम करते हैं तो हमें इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को, और बेटर तरीके से बता सकते हो इसके रिगार्डिंग हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये जो साइबर क्राइम है इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम चौकन्ने रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं, पहले से ही प्रिवेंशन करते हैं, तो इसके चंगुल में हम नहीं फंसेंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।